खाऊंगी। मेरे से झूठ बोलेगा तू है? मेरे से रे, मैं यो गांव का मुखिया हूँ, मुखिया, और तू मन्ने बेवकूफ बना देगा। देखिए मुखिया जी, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि रुद्र कहाँ है। आओ आओ, तन्ने के लगता है कि मैं दूध पीता बालक हूँ, है? अकल नहीं है मेरे में। तू यहाँ है ना, तो वो गवाही अभी यही होगा, यो गाँव में। वो यहाँ नहीं है, रुद्र तो दिल्ली में है। तू फिर झूठ बोल रहा है। मैंने फोन करवाया उसके घर दिल्ली में ना, से वो दिल्ली में, वो यही सा यही गांव में है, यही छिपा बैठा है। चल ये बता मन्ने कि तुम दोनों कर्ण अर्जुन बन के यो गांव में क्या खेल खेल रहे हो? ओ गॉड, क्या बोलो इनको, कोई तो ऐसी कहानी बतानी पड़ेगी जिन पे विश्वास कर ले। तू बताता है क्यों नहीं? लेकिन मुखिया जी, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। मेरी तो रुद्र से बात तक नहीं होती है, उसने गाना गाना जो छोड़ दिए। मैंने नई एड एजेंसी ज्वाइन करी है, उसी की एड शूट करने यहाँ पर आया हूँ। मॉडलिंग के लिए औरत के खूबसूरत हाथ दिखाने, उसी का कॉन्टेस्ट करवा रहा हूँ। लेकिन आप मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? नहीं है ना? ये ले, ये ले, ये ले, जान से मार दीजिए, कस के फंदा मेरे गले में बांध दीजिए, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, मार दीजिए। लेकिन लेकिन मारने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता रुद्र कहाँ पे है। इतनी मुश्किल से ऐड मिली है मुखिया जी, और वो भी आप नहीं करने दे रहे हैं। तेरे इस काम का सस्ता भी पता चल जाएगा। ए छोरो, इसकी ऐड एजेंसी के बारे में पता क्या के? हाँ मुखिया जी, कोई मल्होत्रा की एजेंसी है। देखा, मैंने आपको बोला था ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो नालायक, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सीधे से आदमी को पिटवा दिया मेरे हाथों से। भाई तू जा, जा भाई तू जा, जा। थैंक गॉड, रुद्र ने मल्होत्रा के नाम से अलग कंपनी बनाने का आइडिया दे दिया था, इसी से बच गया। अरे नालायक, खड़ा खड़ा के देख रहे हो मेरा मुंह? जा, जाओ पकड़ के ले आओ उस गवाही को। जी मुखिया, चल चल चल। क्या सोचा था मैंने, ये कंटेस्ट क्लियर करूंगी तो पैसे हाथ में आ जाएंगे, ऐड मिल जाएगी, सारे पैसे चुका दूंगी, युवराज को उसके पैसे दे दूंगी। लेकिन अब क्या करूं? पैसों का इंतजाम तो कैसे भी करना ही है। गांव के हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, पैसे जमा कर लूंगी, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगेगा। खराब है, अब कैमरा कहाँ ढूंढूं? अंधेरा भी है। क्या क्या करना पड़ता है लाल टमाटर के लिए? तुम क्या क्या कर रही हो? अरे वाह, आप तो ठीक हो। मतलब मुखिया जी के गुंडे आए थे ना, और आपको पकड़े भी थे, वो लाल टमाटर ना बहुत टेंशन दे रहे थे, तो रूही ने कहा अब बहुत स्मार्ट हो, अब बच जाओगे, और देखो सच में बच गए। बच गया, बट थैंक गॉड किसी ने रुद्र को देखा नहीं। वो गुंडे थे ना, वो रुद्र को ढूंढ रहे थे, तभी तो मैं उनको यहाँ से लेके गई थी। वो तो आपको बचाने आ रहे थे, खुद भी फंसते और आपको भी फंसाते। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? काम करने आई हूँ। कौन सा काम? आपके दोस्त को कैमरा देखना है, वो किसी को ढूंढ रहे हैं ना, उनको देखना है कि वो आई थी कि नहीं। यहाँ पर कैमरा मिल ही नहीं रहा है, गुंडे ले गए क्या? डोंट वरी, मैंने कैमरा इसके अंदर छुपा दिया था। ये लो ये कैमरा, रुद्र को दे देना, और रुद्र को बोलना वो खुद देख ले कि जिसे वो ढूंढ रहा है ना, वो नहीं आई। ओके, अच्छा एक बात बताओ, रुद्र आपकी हर बात मानता है ना? नानी माँ की बात सब मानता है। तो आप रुद्र को बोलोगे उसकी फैमिली उसका वेट कर रही है, वो ये जो कुछ भी कर रहा है ना, ये सब छोड़ दे और वापस आ जाए, प्लीज आप बोलोगे ना? थैंक यू। आओ, आप ठीक हो ना? कुछ ज्यादा छोड़ दिया क्या? आप मामा के पास जाओ ना। मतलब? अरे बुद्धू, मेरे मामा डॉक्टर है, उनकी क्लिनिक में जाओ, वो दवाई देंगी आपको और फिट कर देंगी बिल्कुल। अच्छा जी, कहाँ है आपकी मम्मा का क्लिनिक? आप मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ आपको। ओके चलो चलो।
आराम से हाँ आओ। ये है मेरी मम्मा का क्लीनिंग, आप अंदर जाओ। लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो ना, अपनी मम्मा से मिलवा देना मुझे। मम्मा डांटेंगी मुझे, और इतनी डाइट में, और वो भी किसी स्ट्रेंजर के साथ। चटनी बन जाएगी मेरी, तू जाती है। ये कैमरा भी तो लाल टमाटर को देना है। बाय बाय। लाल टमाटर, रुद्र सही कहता है, नानी माँ है नानी माँ, लेकिन बहुत क्यूट है, एंजल जैसी। आओ चलो अब इस एंजल की मम्मा से मिलते हैं। अरे यार कितना टाइम लगा दिया नानी माँ ने, कहीं गुंडे तो नहीं मिल गए उसको? मेरी गलती है, मुझे उसे अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। क्या हो गया है मुझे, मैंने पीछा के बारे में सोचा और भेज दिया उसे अकेला, वो भी रात को। प्लीज प्लीज रूही सेफली आ जाओ वापस, प्लीज आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज आ जाओ। मैं देखने जाऊं उसको? अरे लेकिन नानी माँ ने मना किया है, लेकिन मैं बच्ची से क्यों डर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, पहले ये सब छोड़ता हूँ। साची तुम? आपके लिए खाना लाई हूँ। तुम तो रूही के साथ थी ना, कहाँ है रूही? टेंशन मत लो, रूही आ जाएगी, वो आपके दोस्त को छोड़ने गई है अपने मम्मा के क्लिनिक में। क्यों? आपके दोस्त को चोट आई थी ना इसलिए। ओह गॉड, ठीक तो है ना बंटी? गुंडों ने मारा है तो थोड़ी सी चोट तो आएगी ना, टेंशन मत लो, अब रूही के मम्मा उन्हें पूरा ठीक कर देंगी। अब मैं जाऊँ, खाना खा लेना। एक बार रूही मिल जाए बस, तुम ध्यान से जाना। गुड बाय। बाय बाय। अच्छा साची, हाँ ये रस्सी तो खोल दो, खाना कैसे खाऊंगा? हाँ खोल लेती हूँ ना। वो बंटी ने प्रशा का पता लगा लिया, एक बार रूही आ जाए फिर पूछता हूँ उससे।